तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी व्याकरण की पुस्तक का 11वां अध्याय, जिसका नाम है काल। काल को अंग्रेजी में कहते हैं टेंस। तो जो क्रिया होती है, जैसे कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है, क्रिया वह शब्द होते हैं जिससे हमें किसी कार्य के होने और करने का पता चलता है, और जिन शब्दों से हमें यह पता चलता है कि क्रिया का समय कौन सा था, तो वह होते हैं काल। यानी कि काल के द्वारा हमें क्रिया के होने का समय का पता चलता है। और अब बात आती है काल के भेद की। काल के मुख्य तीन भेद हैं, एक होता है भूतकाल, एक होता है वर्तमान काल, और एक होता है भविष्य काल। भूतकाल, अब भूतकाल होता है जिसमें हमें बीते हुए समय में कार्य जो किया गया होता है उसका हमें बोध होता है। जैसे आपको उदाहरण के स्वरूप, माँ ने कल खीर बनाई थी, यानी कि जो बीता हुआ कल है उसमें माँ खीर बना चुकी है, इसलिए ये होगा भूतकाल, क्योंकि इसमें बीते हुए समय की बात की गई है। दूसरा है वर्तमान काल। वर्तमान काल वह होता है जो चल रहा होता है, यानी कि इसमें वर्तमान समय का बोध होता है और कार्य जो होता है वर्तमान समय में हो रहा होता है। जैसे रीमा आज खीर बना रही है, यानी कि अभी वो बना रही है, ये अभी की बात की जा रही है यहाँ पे। उसके बाद है अंतिम आपका भविष्य काल। भविष्य काल में हमें पता चलता है कि जो क्रिया है या जो कार्य है वो आने वाले समय में किया जाएगा। जैसे कि रीमा कल खीर बनाएगी, कि यानी कि रीमा ने ना तो पिछले कल बनाई है ना अभी बना रही है, वो आने वाले समय में खीर बनाएगी, तो ये हुआ भविष्य काल। तो प्यारे बच्चों, काल का समय हो काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। इसके मुख्य तीन भेद हैं, एक होता है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। बीते हुए समय को बताने वाले काल को भूतकाल कहते हैं, और जो समय चल रहा होता है उसके बारे में बोध करवाने वाले को वर्तमान काल कहते हैं, और आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं। धन्यवाद।